जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अधिक महीना जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इस महीने में जो भी पूजा पाठ की जाती है, हर पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री नारायण ने अधिक मास को अपना स्वरूप और नाम प्रदान किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अधिक मास में अगर आप किसी भी कामना को लेकर के उपाय करते हैं तो हर तरह की कामना पूर्ति होती है। आपको अधिक महीने में कुछ नियमों का पालन करना है। अगर संतान प्राप्ति में रुकावट है, संतान की प्राप्ति नहीं होती, कई साल शादी के हो चुके हैं, संतान नहीं हो रही है, या जिनको पुत्री है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, या किसी जातक के कन्या या लड़का की शादी में रुकावट आ रही है, तो आपको अधिक मास में उपाय करना है। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन करें। गुरुवार के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से कार्य सिद्धि हो जाती है, क्योंकि गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु का दिन होता है। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको जो गुरुवार के दिन 5 हल्दी की गांठें लेनी है, 5 हल्दी की गांठें, इसके साथ में 5 मुट्ठी चने की दाल और एक छोटा सा पीला रूमाल लेना है। अगर रूमाल नहीं है तो पीले कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं, उसके ऊपर ये रखें और इन्हें रखने के बाद में आपको इसमें 5 गांठें चारों कोनों को बांध करके लगा देनी है और कहीं जमीन में गड्ढा खोद करके उसे दबाना है और उसके ऊपर पीपल का पौधा लगा देना है। पर ध्यान रखें, पीपल का पौधा इस प्रकार से लगाएं जिससे जो है पौधा सूखना नहीं चाहिए। अगर वो पौधा लग जाता है, यानी कि आप नित्य प्रति उसमें पानी भी डाल करके आ सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान में लगा दें जिससे वहां पर पानी लगता रहे, नदी के किनारे लगा दें या पार्क में लगा सकते हैं, पानी डालते रहें। आप कम से कम 40 दिन उस पर जल चढ़ा के आ जाना। दोस्तों, अगर वो पौधा लग जाता है तो कैसा भी असाध्य कार्य हो, उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। दोस्तों, अधिक मास में अगर आप गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन संतान गोपाल चालीसा के 11 पाठ करते हैं और 11 पाठ करके माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाएं, चांदी की बांसुरी चढ़ा दें, चांदी की नहीं है तो बांस की बांसुरी अर्पित कर दें और एक मोर पंख अर्पित कर दें, कैसा भी असाध्य कार्य हो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। निश्चित रूप से मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, अधिक मास में इस उपाय को जरूर करें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।